प्यारे दोस्तों, फिल्मी घर में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आपसे गुजारिश की वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जिस साल से बोलती फिल्म स्टार्ट हुई, यानी साल 1931 की 10 प्रमुख बोलती फिल्मों के बारे में बताएंगे, उनकी लिस्ट के बारे में बताएंगे, उनके वर्डिक्ट के बारे में बताएंगे कि हिट हुई थी, ब्लॉकबस्टर हुई थी, फ्लॉप हुई थी, क्या हुई थी। दोस्तों, और भी बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इंटरेस्टिंग बॉलीवुड की खबर ऐसे ही सुनने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 1931 वो साल जब पहली बार डायरेक्टर आरदेसिर ईरानी ने बोलती फिल्म बनाई, और दोस्तों उस साल कुल मूवी रिलीज हुई थी 207, जिसमें 28 बोलती फिल्में रिलीज हुई थी, बाकी सब साइलेंट मूवी थी। उस 28 बोलती फिल्मों में 23 हिंदी फिल्में थी और 5 जो थी वो अन्य भाषा की फिल्में थी। तो ये रही एक छोटी सी जानकारी। उसके बाद अब शुरू करते हैं मूवीज की लिस्ट। जो दोस्तों पहली मूवी थी वो है आलम आरा, जो 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई थी। उसका कुल बजट था 40,000 और उसकी कुल कमाई हुई थी 29 लाख, जो कि वर्डिक्ट रहा वो ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई, और इसमें मुख्य रोल में जुबैदा और पृथ्वीराज कपूर और विट्ठल थे। दोस्तों, दूसरी मूवी है फरेबी जाल, जो कि दुर्गा खोटे, काफी फेमस एक्ट्रेस है, वो मुख्य भूमिका में थी और सुशीला थे और वसंत थे। दोस्तों, इसके डायरेक्टर MD भवनानी थे और इसका कोई वर्डिक्ट नहीं है, कुछ सर्च करने पर कुछ भी नहीं मिला कि हिट हुई या फ्लॉप हुई। दोस्तों, तीसरी जो मूवी है वो है रोमांटिक प्रिंस, जिसके डायरेक्टर प्रफुल्ल घोष थे और महबूब खान, याकूब, जुबैदा और विट्ठल, ज्यादातर विट्ठल और जुबैदा जरूर होते थे क्योंकि उस समय ज्यादा एक्टर और एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री में थे नहीं। दोस्तों, ये फिल्म का भी कोई वर्डिक्ट नहीं मिला। दोस्तों, जो चौथी फिल्म है वो है सीरी फरहाद, जिसके डायरेक्टर जे मदन थे और कास्ट निसार, जहां आरा कज्जन, और इसका भी कोई वर्डिक्ट नहीं मिला। दोस्तों, जो पांचवी मूवी है वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिसके की डायरेक्टर थे जे मदन, और कास्ट में बात करें तो मोहम्मद नवाब, जहां आरा कज्जन और शरीफा थे, और इसका भी कोई वर्डिक्ट नहीं मिला कि यही हिट हुई कि फ्लॉप, क्योंकि सर्च करने पे कुछ भी नहीं मिल रहा। दोस्तों, जो छठी मूवी है वो खुदा की शान, जिसके डायरेक्टर थे आरएस चौधरी, और कास्ट की अगर बात करें कि कौन कौन कलाकार थे, तो रूबी मेयर थी, सालवी थे, रघुनाथ थे और आरबी जगताप। इसका भी कोई वर्डिक्ट नहीं मिला कि यह हिट है कि फ्लॉप। दोस्तों, सातवीं मूवी है देवी देवयानी, जिसके की जो कि लव ट्राइंगल पर आधारित मूवी थी और जिसके डायरेक्टर थे चंदूलाल शाह, और मुख्य एक्टर की अगर बात करें तो गौहर और मामा जीवाला और कमल भाई गोखले और दिनसा विली मोरिया थे, और इसका भी कोई वर्डिक्ट नहीं मिला। और दोस्तों, आठवीं मूवी है वो है घर की लक्ष्मी, जिसके डायरेक्टर थे कांजी भाई राठौर, जो कि मुख्य कलाकार जो इसमें थे गजनवी, रामप्रिया, गंगाराम और सरदार थे, और इसका भी कोई वर्डिक्ट नहीं मिला। दोस्तों, नवी जो मूवी है वो है हूरे मिशर, जिसके डायरेक्टर थे प्रफुल्ल घोष, एक्टर की अगर बात करें तो जुबैदा और मास्टर विट्ठल, फिर से वही, और दोस्तों इसका भी कोई वर्डिक्ट नहीं मिला। और दसवीं जो मूवी है वो है हुस्न परी, और इसके डायरेक्टर थे AP कपूर, इसके जो एक्टर मुख्य एक्टर की अगर बात करें तो जो मुख्य कास्ट में जो काम किया था P जयराज और मेहताब थे, और दोस्तों इसका भी कोई वर्डिक्ट नहीं मिला। तो दोस्तों, कुल मूवी 207 रिलीज हुई, जिसमें से 28 मूवी जो टॉकी मूवी थी उसकी 10 प्रमुख मूवियां ये हैं जिनके बारे में हमें नेट पर मिला, हमने आपको बताया। अब दोस्तों, ऐसे ही क्रम से हम आपको साल दर साल की पूरी मूवी की लिस्ट और उसके वर्डिक्ट बता दे जाएंगे। बस आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अदर प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमें वहां फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।